हिंसा और विपक्ष के विरोध के बीच बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए वोटिंग जारी। करीब 12 करोड़ मतदाता अगली सरकार का फैसला करेंगे। मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी, जिसने शेख हसीना के इस्तीफे की मांग की। बता दें कि बीएनपी पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया की, जो कि चुनाव का बहिष्कार कर रही है, और शेख हसीना की सरकार को अवैध बताते हुए 48 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। विपक्ष के इस रवैये पर प्रधानमंत्री शेख हसीना का कहना है, हमारा देश संप्रभु और स्वतंत्र है, हमारी आबादी बड़ी है, हमने लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार स्थापित किए हैं। मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि इस देश में लोकतंत्र कायम रहे। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक वोटिंग से पहले कई मतदाता केंद्रों पर आगजनी की वारदातें हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 10 जिलों में 14 पोलिंग बूथों और 2 स्कूलों में आग लगा दी गई। इसके अलावा वोटिंग से ठीक एक दिन पहले चुनाव आयोग का इलेक्शन ऐप क्रैश हो गया, जिसके चलते मतदाताओं को अपना पोलिंग बूथ ढूंढने में काफी असुविधा हुई। बता दें कि बांग्लादेश की संसद में 300 सीटें हैं, जिन पर 46 राजनीतिक दलों के 1500 से ज्यादा उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इनके अलावा 436 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में। 42,000 से ज्यादा पोलिंग बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी पोलिंग बूथ पहुंचकर मतदान किया। बता दें कि ये बांग्लादेश में 12वां आम चुनाव जो 100 से ज्यादा विदेशी पर्यवेक्षकों की निगरानी में कराया जा रहा है। इनमें 3 भारतीय पर्यवेक्षक भी शामिल हैं। बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त काजी हबीबुल अव्वल ने चेतावनी दी है, अगर चुनावों में कोई अनियमितता पाई गई तो चुनाव पूरी तरह से रद्द करा दिया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि 1975 से पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। भारत की मदद से बांग्लादेश स्वतंत्र देश बना। वोटिंग से पहले शेख हसीना ने भारत के नाम संदेश में क्या कहा, सुनिए। हम बहुत भाग्यशाली हैं। भारत हमारा भरोसेमंद दोस्त है। हमारे मुक्ति संग्राम के दौरान उन्होंने हमारा समर्थन किया। 1975 के बाद जब हमने अपना पूरा परिवार खो दिया, उन्होंने हमें आश्चर्य दिया। इसलिए भारत के लोगों को हमारी शुभकामनाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना का प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी बांग्लादेश आवामी लीग के प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर देने वाले प्रतिद्वंदी चुनावी मैदान में नहीं है। ऐसे में ज्यादातर कैंडिडेट्स का जीतना तय माना जा रहा है। हालांकि शेख हसीना के नेतृत्व में गरीबी से जूझता बांग्लादेश विकास के रास्ते पर कदम बढ़ा चुका है, लेकिन विपक्ष पर सख्त एक्शन को लेकर हसीना सरकार आलोचनाओं में घिरी रही, जिसके चलते विपक्ष उन पर मानवाधिकार के हनन का आरोप लगाता आया है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में शेख हसीना अपना दबदबा बरकरार रखेंगी या फिर विपक्ष बड़ा उलटफेर कर शेख हसीना को लगातार 4थी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक देगा। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल TV9 भारत वर्ष के साथ।